सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ इस समय ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में रही है। इसी बीच वो फिर से विवादों में आ चुकी है। एक बार फिर से उनके पहले पति ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने कहा है कि पैसों के लिए सीमा हैदर भारत में अश्लील हरकतें कर रही है। उसने आगे कहा कि सीमा 200 रुपये के लिए अपना डांस दिखाती है। अपने YouTube चैनल पर गुलाम हैदर ने सीमा हैदर पर जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा, पैसों के लिए वो अपना शरीर दिखा रही है, पेट दिखाने के लिए लोग उसे पैसे देते हैं, वो अपना नाच 200 रुपये में दिखा रही है, वो भारत में इस तरह के वीडियो बना रही है, इसके बाद भी कोई उसे नहीं रोक रहा है। अपने बच्चों की वापसी की मांग करते हुए उसने कहा, जहां तक शायद मेरी आवाज को पहुंचना चाहिए, वहां तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरे दिल में दर्द और गुस्सा दोनों है। पाकिस्तानी मीडिया ने मेरी आवाज को नहीं उठाया है क्योंकि मैं एक गरीब का बच्चा हूं ना। मीर के होते, जरदारी के होते, मरियम नवाज के होते, हम बदनसीब हैं क्योंकि हम गरीब हैं और हमारा कोई नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा, वो गलत तरह से मेरे बच्चों को लेकर वहाँ चली गई है। वहाँ पर वो रील्स बना रही है, वो यूट्यूब वीडियो बना रही है, हर जगह पर वो बात रही है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत सरकार पर भी सवाल उठता है कि वो वहाँ पर ये सब कैसे कर पा रही है। वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर भारत सरकार चाहे तो मेरे बच्चे एक घंटे में हमें वापस मिल सकते हैं। भारत सरकार से अपील करते हुए गुलाम हैदर ने कहा, उसके बच्चे को जल्दी से जल्दी पाकिस्तान भेजा जाए। इस मामले पर उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।